इनकम टैक्स सीरीज की आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं तीन हेड, नंबर एक सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आज की डेट में एग्जाम के पॉइंट से भी और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन जब आप चार्टर्ड बनने के बाद प्रैक्टिस में आएंगे तब इसका महत्व अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो, चाहे कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला हो, चाहे कोई पीजीबीपी हेड से इनकम करता हो, चाहे कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई कनेक्शन कैपिटल गेन से रहता ही रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी या एसेट्स का सेल परचेज आज की डेट में इंडिया में हर एसएससी करता है, तो इस वजह से कैपिटल गेन का महत्व बढ़ जाता है। अभी अभी हमने पिछले वीडियो तक पीजीबीपी को खत्म किया। आप जानते हैं कि पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेकर के 44 पर जाकर के खत्म हुआ था। उसी के बाद से मतलब सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 55 तक कैपिटल गेन रहता है। अब कैपिटल गेन का जैसे कि आप अब तक जान चुके हैं, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन वो है जो ये बताता है कि इस हेड की इनकम किस तरह से चार्जेबल या टैक्सेबल रहती है। अब कैपिटल गेन का सेक्शन 45(1) इज चार्जिंग सेक्शन। इस हेड का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45(1) जो आपको ये बताता है कि कैसे ये इनकम हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 45(1) का कॉन्सेप्ट यही है कि कैपिटल एसेट्स होना चाहिए एंड इट शुड बी ट्रांसफर। कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर जब होता है तब ये 45(1) ये बताता है। अब कैपिटल गेन क्या है, कैसे होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कैपिटल गेन किस तरह से और क्या क्या चीजें इसमें रहती है। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सेक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं एक आम भाषा में, आम तौर से। ये समझ लीजिए कि कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, मतलब मिस्टर ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और मिस्टर ए उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने सेल किया तो कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से डिपेंड है। मतलब जैसे कि सैलरी का जो चैप्टर है वो एम्प्लॉय पॉइंट से, क्योंकि एम्प्लॉय होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो हम देखते हैं जिसने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट की हो उसके पॉइंट से देखते हैं। पीजीबीपी का जो चैप्टर है वो एक बिजनेसमैन के पॉइंट से देखते हैं, मतलब कि बिजनेसमैन पे क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इसी तरह से कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फोकस रहता है कि जो प्रॉपर्टी, जो असेसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हो, मतलब हम एज अ सेलर सोचते हैं कैपिटल गेन को एज अ सेलर। अगर मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी परचेजर है तो हमारे लिए मिस्टर बी का महत्व नहीं रहता है। मिस्टर बी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी फोकस ऑन मिस्टर ए। तो मिस्टर ए पर हम फोकस करते हैं और मिस्टर ए के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल की, जो प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने सन 2005 में, सन 2010 में या एक्स वाई जेड किसी भी ईयर में खरीदी हो, वो प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल कर देते हैं। अब मिस्टर ए ने वो प्रॉपर्टी उस समय हो सकता है 1,00,000 रुपए की हो 10 साल पहले, और अब वो प्रॉपर्टी ए ने मिस्टर बी को बेच दी 20,00,000 रुपए की। अब सीधा सीधा क्या नजर आ रहा है कि सीधा सीधा प्रॉपर्टी 1,00,000 रुपए की ली और 20 लाख की बेच दी, तो 19,00,000 रुपए का जो डिफरेंस रहा वो कैपिटल का गेन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा तो असेसी को किसी काम का नहीं रहेगा, 19 लाख रुपए पे कैसे कोई टैक्स देगा।
तो उसके लिए इनकम टैक्स रेट दो तरीके से, पहले तो बताया है कैपिटल गेन को, ये समझ लीजिए कि एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको कि हम लिखने की उसमें आप ये समझ लीजिए कि कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे शॉर्ट में एनटीसीजी और एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लैंड या और मेनी प्रॉपर्टीज, ये अगर किसी असेसी ने किसी प्रॉपर्टी को 36 मंथ से ज्यादा अपने पास रखने के बाद बेचा है तो उस प्रॉपर्टी पर कैलकुलेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 36 मंथ से कम में उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया हो तो उस पर कैलकुलेट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ शेयर डिबेंचर एंड एनी अदर थिंग्स, किसी में 12 महीने रहता है, किसी में 24 महीने, वो मैं आपको अलग अलग सेक्शन वाइज बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया है इनकम टैक्स ने कि ये जो 19 लाख का डिफरेंस आ रहा है ये कैसे आ, मतलब आप 19 लाख पे टैक्स देंगे तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे, आपके इतने की प्रॉपर्टी नहीं लिखी होगी जिसमें आपने टैक्स दे दिया, इतना आपने उस पर कभी कमाया भी नहीं होगा और 10 साल आपने प्रॉपर्टी रखी। तो इनकम टैक्स ने उस पर एक इंडेक्स टेबल बना दिया कि आप उस इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि अगर किसी चीज की 2010 में वैल्यू 100 रुपए थी तो आज उस प्रॉपर्टी को अगर हम आज लेते तो आज 100 रुपए की वैल्यू हो सकता है 200 रुपया हो गई होती, हो सकता है 500 रुपया हो गई होती। तो उसके अकॉर्डिंग 2001 से 1/4/2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी या 1/4/2001 के से पहले भी अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई हो तो उसका एक अलग कंडीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स बना दिया गया है जो हर साल अपडेट होता रहता है। अब वो किस तरह से अपडेट होता रहता है, इनकम टैक्स के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपडेट होता रहता है, तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग उससे कैलकुलेशन करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है, जिससे कि वो प्रॉपर्टी पर जो 19 लाख का डायरेक्ट डिफरेंस नजर आ रहा है उस पर असेसी को टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसी कैलकुलेशन पे चैप्टर बनाया गया है कैपिटल गेन, जिसको डिफाइन किया गया है आई रिपीट सेक्शन 45 टू सेक्शन 55। आप समझ लेते हैं कि क्या कैपिटल एसेट्स रहती हैं और किन किन चीजों पर टैक्स लगता है, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, और किस तरह से जब जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी सेल ही की गई हो, अगर प्रॉपर्टी ऐसे भी ट्रांसफर हुई है, कोई प्रॉपर्टी आपको कुछ और कंडीशन से बिना किसी कंसिडरेशन के आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो तब क्या कंडीशन रहती है, ये सब पूरा बताता है चैप्टर कैपिटल गेन। तो स्टूडेंट्स कहीं मत जाइएगा और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पर हमें डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पर हमें डीएम कर सकते हैं, आप कैसे भी हमें कहीं से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ चेंजर की टीम हमेशा आपके लिए सॉल्यूशन लेकर अवेलेबल रहेगी। शुरू करते हैं सेशन वाइज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कैपिटल एसेट्स, क्योंकि कैपिटल गेन जो लगेगा वो कैपिटल एसेट्स से ट्रांसफर पर लगेगा, ट्रांसफर आप सेल समझ लीजिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स को जो डिफाइन किया गया है, सीए मतलब कैपिटल एसेट्स रहेगा इस चैप्टर में, वो सेक्शन 214 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी आपकी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो कैपिटल एसेट्स रहेगी अदर देन सम एक्सेप्शंस, मतलब कुछ एक अपवाद को छोड़ करके। अब वो अपवाद क्या हो सकते हैं आपके, ये देख लेते हैं। नंबर एक, एसआईपी, कोई मतलब सिक्योरिटी आपकी हो वो, या फिर कोई पर्सनल यूज वाली, जैसे कि आपके कपड़े, आपके घर का फर्नीचर, ये आपकी कैपिटल एसेट्स में काउंट नहीं होगी, लेकिन पर्सनल एसेट्स में जैसे आपकी ज्वेलरी वगैरह ये इसमें काउंट होगी। तो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स वाली जो आपकी रहेगी, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट आपकी इसमें एक्सेप्शन में रहेगी। अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन मतलब जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में जैसे आपके कपड़े फर्नीचर वगैरह तो उसमें नहीं काउंट होंगे, लेकिन आपकी ज्वेलरी,
आपका कोई आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन हो, कोई या फिर आपका कोई पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, ये इस तरह की कोई चीज हो, या फिर कोई और स्पेशल वर्क आर्ट, एनी अदर वर्क आर्ट आपका जो रहेगा वो इसे एक्सक्लूड रहेगा, तो ये सब चीजें आपकी इसमें काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कपड़ों के ऊपर कोई स्पेशल स्टोन है या कोई स्पेशल आपने कोई काम ऐसा कराया हुआ है कपड़ों के ऊपर, तो वो कपड़े फिर इसमें आपके ऐड हो जाएंगे। जैसे कोई आपका स्पेशल कोई वर्क होता है, जैसे कि कई सारी मूवीज में कई कोई डिजाइनर कोई स्पेशल स्टोन ऐसा लग जाता है उसमें, तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट्स में काउंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगला एक्सेप्शन जो है कैपिटल एसेट्स इसका 214 का, वो रहेगा नंबर थर्ड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। इसमें देखने वाली बातें तीन है कि रूरल हो, एग्रीकल्चर हो और इंडिया में हो, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर अगर लैंड है तो उसका एक्सेप्शन वो इससे बाहर नहीं रहेगी, वो वरना कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। इंडिया से बाहर हो भले ही रूरल हो तो भी मानी जाएगी, रूरल लैंड हो एग्रीकल्चर ना हो तो भी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं, लेकिन वो कब मानी जाएगी, उसकी क्या कंडीशन रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी कंडीशन रहती है कि अगर आपके आबादी 10,000 से कम है तो शहर से लगती हुई प्रॉपर्टी, मतलब बिल्कुल जो म्यूनिसिपल बोर्ड से 0 किलोमीटर दूर बिल्कुल बाउंड्री पर, वो इसमें जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो रहेगा वो 10,000, अगर 10,000 से लेकर के आपकी 1,00,000 तक है तो 1,00,000 तक के लिए आपकी म्यूनिसिपल से जो लिमिट रहेगी वो 2 किलोमीटर की रहेगी। उसके बाद आपकी 1L से लेकर के 10,00,000 तक की 6 किलोमीटर का रहेगा लिमिट, और 10,00,000 से ऊपर वाली आबादी के लिए 8 किलोमीटर की रेंज रहेगी। अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग आ रही है तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया का। इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। अब बात करते हैं अगले सेक्शन, अगला जो एक्सेप्शन है इसमें सेक्शन 214 का अगला एक्सेप्शन जो है वो इसमें रहेगा कि अगर आपका कोई भी जो नंबर 4 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या फिर सर्टिफिकेट, मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी आपके लिए कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। ये 4 एक्सेप्शन है जो आपको याद करनी ही करनी है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो ये बात होगी सेक्शन 214 की जिसमें डेफिनेशन दी गई है कैपिटल एसेट्स की। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब ट्रांसफर जो कैपिटल एसेट्स का रहता है उसको डिफाइन किया है कैपिटल गेन में 247 में, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। ये ट्रांसफर ऑफ, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल साथ साथ कराता जा रहा हूं जिसको आप देख सकते हैं, तो यहां पर मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 247 में है। अब वो देख लेते हैं क्या है ये, जब कब कब ये माना जाएगा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है, सेल, एक्सचेंज और ये जो है रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, मतलब एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे कि अगर एसेट्स मतलब सेल हो गई, सेल का आपको समझ में आ रहा है कि सेल आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले आपको पैसे मिल गए, एक्सचेंज ये अदला बदली हो गई किसी चीज की, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स मतलब कि एसेट्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई,
खराब हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद नंबर, अगला नंबर जो आता है वो आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द एसेट्स। अब ऊपर जो था ये था रिलिंक्विशमेंट, नीचे है एक्सटिंग्विशमेंट, दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले केस में ये था कि एसेट्स बिल्कुल बर्बाद हो गई, और इसमें है कि एसेट्स तो एज इट इज है लेकिन आपने उस पर अपना राइट खो दिया, अब आपका राइट उस पर नहीं रहा, ये इसमें डिफरेंस है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है इसका, कि कंपलसरी एक्वायरेशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ, कि आपकी एसेट्स को गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने कंपलसरी उसका एक्वायरेशन हो गया। दूसरा अगला पॉइंट क्या रहता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू एसआईटी, कि आपने अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया। अगला पांचवा पॉइंट रहता है मैच्योरिटी, आपका मैच्योरिटी हो गई जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह की, आपका टाइम मतलब एक तरह से पूरा हो गया। उसके बाद क्या रहता है कि गिविंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको याद होगा इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी के सेक्शन 27 में आपको मैंने बताया था कि जब मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि किसी सिस्टर से कोई प्रॉपर्टी आ गई, वो सिस्टर के अभी साइन होने लग गए कहीं बाहर रहती है, वहां मैंने आपको ये बताया था। तो ये उसी का एक तरह से पार्ट है कि जब प्रॉपर्टी आपको पोजिशन में चली गई हो, आपने उसकी प्रॉपर्टी का पोजिशन दे दिया हो, तब ये आपका रहेगा। उसके बाद अदर ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंड इंक्रीमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई अदर ट्रांजेक्शन अगर आपकी हुई है तो ये माना जाएगा ट्रांसफर आपका। इसके अंदर आपने देखा कि सेल तो है ही है, वो भी है कि जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी एसेट्स बर्बाद हो रही हो या फिर आप अपने एसेट्स को एसआईटी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये सब चीजें देखिए। अब अगला जो सेक्शन है, अगला सेक्शन हम देखते हैं टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स जो रहते हैं कि वो कब कब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो इसमें है कि सेक्शन 242A क्या कहता है। सेक्शन 242A कहता है कि अगर कोई एसेट्स आपके पास 36 महीने से ज्यादा रहेगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 36 महीने से कम रहेगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कुछ केसेस में कंडीशन बदल जाती है, एसेट्स 12 महीने या 24 महीने हो जाती है, वो एसेट्स क्या क्या रहती है देख लेते हैं। 36 महीने वाले में नॉर्मल कोई लैंड, कोई जॉब, कोई मकान इस तरह का घर रहेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने वाली रहेगी कि अगर लिस्टेड इक्विटी या फिर प्रिफरेंस शेयर है तो 12 महीने बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स जो है वो यूटीआई हो या फिर ईओएमएफ हो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जीरो कूपन बॉन्ड, और इसका अगला पॉइंट आता है जो 24 महीने में एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म हो जाती है वो हो जाते हैं अनलिस्टेड इक्विटी, प्रिफरेंस शेयर या फिर शेयर इन प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर रहती है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई रहती है तो वो 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाती है। अब अगला सेक्शन आता है और सेक्शन 48 पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें कंपटीशन बता रहा है कि कंपटीशन कैसे बनता है, कैसे इसकी इनकम कंप्यूट होती है। पहले सेक्शन 48 बता देते हैं फिर आगे अगले सेक्शन हम पढ़ेंगे। सेक्शन 48, सेक्शन 48 में सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, सबसे पहले देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इसमें रहेगा कि इसमें देखना पड़ेगा कि सेक्शन 50C अप्लाई हो रहा है या नहीं। सेक्शन 50C क्या है ये भी आगे पढ़ रहे हैं। उसके बाद उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, आ जाती है नेट सेल। नेट सेल में से जो माइनस होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। उसके बाद माइनस होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन वाला जो इसमें मैंने आपको टैक्सेशन सीआईए वाला बताया था, सीआईए का जो कॉन्सेप्ट है सीआईआई जो लगता है, इंडेक्स जो लगता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर ही लगता है। और फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी
आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देख लेते हैं कि जो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, इंडेक्सेशन मतलब कैसे निकलता है। इंडेक्सेशन निकलता है COA कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन मल्टीप्लाई बाय CIA ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस साल का CIA लेंगे। CIA आपको गिवन होगा एग्जाम में भी, प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो सारे CIA कोई भी याद नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा चार्टेड हो, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो सब याद रहते हैं, अदरवाइज तो बुक में ही देख करके सब लोग CIA देखते हैं, क्योंकि CII अपडेट होते रहते हैं हर साल। CII एक नया CII आ जाता है और कुछ टाइम बाद तो पुराने खत्म करके नया आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जब कभी हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो कॉस्ट ऑफ जो इंडेक्सेशन रहता था वो 1981 से रहता था, जिसको बाद में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये 2001-02 से कर दिया गया है। इसी तरह आने वाले टाइम में ये और आगे बढ़ जाएगा। इररिलेवेंट चीज है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें। अब देख लेते हैं क्या फॉर्मूला रहता है पुराने वहां से। ये कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इंटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच एसेट्स वाज फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। मतलब जब एसेट्स खरीदी गई थी उस साल का CII और जिस साल बेची जा रही है उस साल का CII, ये इसमें देखना रहता है। उसके बाद अगर आपने एसेट्स को 2001-02 से पहले खरीदी हो या 2001-02 से पहले वो एसेट्स आपको मिली हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट्स 1995, 1996 में 1990 में या फिर कभी भी आपने ली होगी, तब आप कहेंगे कि क्यों आप 2001-02 से ही मानेंगे। तो उसमें आपको आईटी एक्ट 1961 की तरफ से ये रिलैक्सेशन मिलता है कि आप ने भले ही एसेट्स सन 90 में खरीदी गई हो तो आपको एक ऑप्शन उसमें मिल जाता है कि आप उसका CIA देखेंगे, वो 2001-02 का ही देखेंगे। लेकिन आपको जो 90 में परचेस की गई एसेट्स थी या 95 में परचेस की गई एसेट्स थी या कभी भी आपने उससे पहले खरीदी गई हो 1-4-2001 से पहले, तो 1-4-2001 को जो आपकी FMV थी, जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो इंडेक्सेशन है वो उस अकॉर्डिंग निकाले। मतलब कि उनको भी लॉस नहीं देंगे। अब अगर किसी ने एसेट्स 95 में खरीदी हो 2 लाख रुपए की, लेकिन उसकी FMV 2001 में 1-4-2001 मतलब 2001-02 में उसका FMV आ जाता है 2 लाख की अगर खरीदी हो और आ जाता है 1.5 लाख, तो कम होगा तो वो क्या कहेगा कि वो उसी को जो उसने खरीदी थी परचेज वैल्यू को ही उसमें रहेगी। तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आपको क्या लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन ले रहे हैं। तो इसमें ये रहता है 2001 के बाद, लेकिन 2001 के जो बाद वाली बात है 1-4-2001 के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है डेप्रिशिएबल एसेट्स पे और गुडविल के या फिर उस जैसी एसेट्स पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब ये तो बात हो गई कि कब आप ये FMV वाला ऑप्शन ले सकते हैं डेप्रिसिएशन एसेट्स वगैरह पे। अब भले ही कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो भले ही लॉन्ग टर्म, मतलब आपके पास कितना की 12 महीने 24 महीने 36 महीने वाली कंडीशन वो एक अलग बात होगी, लेकिन कुछ एक एसेट्स ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी आप इंडेक्सेशन नहीं ले सकते हैं। वो क्यों नहीं ले सकते हैं और किन एसेट्स पर है देख लेते हैं। वो एसेट्स हैं जीरो कूपन बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं आपके, स्लम सेल है या फिर वही डेप्रिशिएबल एसेट्स मैंने आपको बताया, और फिर शेयर ऑफ डिबेंचर एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, हम नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट नहीं देंगे। और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 112A 112A में स्पेसिफाइड की गई एसेट्स, उस पर आप इंडेक्सेशन नहीं ले सकते, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 51। सेक्शन 51 कहता है हमारा कि अगर एसेट्स फॉरफिट, मतलब आपका अमाउंट कोई फॉरफिट, इसमें प्लीज मैं आपसे कहूंगा क्योंकि ये बात ध्यान रखना हमेशा कि हम सेलर के पॉइंट से सोच रहे हैं, कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेलर के पॉइंट से, परचेजर से हमारा कोई मतलब नहीं है।
परचेजर से मतलब हमारा जब जो सेलर के पॉइंट से सोच रहे हैं तो उसने कब परचेज की गई उन बातों को हम ध्यान रखते हैं, लेकिन आज जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेलर के पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सेक्शन 51 के अंदर बताया गया है फॉरफिट अमाउंट के बारे में। फॉरफिट अमाउंट क्या है? फॉरफिट अमाउंट ये है कि आप कोई मकान, मैं मिस्टर ए अपना मकान मिस्टर बी को बेच रहा हूं, अब मिस्टर बी ने मुझसे उस मकान का डील किया 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में डील होती है हमारी, और मिस्टर ए को मिस्टर बी मतलब मुझे मिस्टर बी दे देते हैं 2 लाख रुपए एडवांस। अब मुझे 2 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर ये किस्सा हुआ हो 2 लाख वाला, तो अब मेरे लिए क्या हो गया कि टाइम पर डील नहीं हुई, मिस्टर बी पैसे पूरे नहीं दे पाए, वो 2 लाख रुपए मैंने उनके रख लिए। डील में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि अगर आप पैसे पूरे नहीं दे पाए तो ये पैसे मैं रखूंगा। अब क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब ट्रीटमेंट ये रहेगा कि तो अगर 1/4/2014 से पहले वो अमाउंट फॉरफिट कर ली थी, तो जब मैं वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की जो थी वो प्रॉपर्टी मैं दोबारा से बेचूंगा ही, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी थी। अब जैसे कि मैं आपको बोर्ड में समझा देता हूँ, अब इसमें दो डेट याद रखने वाली है, 1/4/2014 कि अगर ये किस्सा 2014 से पहले हुआ है कि मैं एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेच रहा था 10 लाख रुपए की, और मिस्टर बी ने मुझे एडवांस दे दिए थे 2 लाख रुपए, और वो डील फाइनल नहीं हो पाई थी, मैंने ये पैसे फॉरफिट कर लिए थे, ये पैसे मेरे पास आ गए थे 2014 से पहले के लिए किस्सा होता है। और प्रॉपर्टी अगर मैं क्योंकि आज बेच रहा हूं, तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं आज बेच रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी आज 25 लाख रुपए की बिकती है, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन वाली जो बात है ये इसमें से माइनस 8 लाख रुपए से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन मतलब मेरा इंडेक्सेशन जो होगा वो 8 लाख के अकॉर्डिंग मेरी ये मेरी मतलब कॉस्ट में से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे जब मैं इसको दोबारा सेल करूंगा। लेकिन ये किस्सा रहेगा 2014 से अगर पहले मतलब 1 अप्रैल 2014 से पहले कर रहा है। अब अगर यही बात 1 अप्रैल 2014 के बाद हुई हो, 1 अप्रैल 2014 के बाद का अगर ये किस्सा हो, तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर मैं अमाउंट फॉरफिट कर लेता हूं तो ये अमाउंट मेरे लिए IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेरे लिए सेक्शन 56(2)(9) में मेरे लिए ये टैक्सेबल रहेगी 1 अप्रैल 2014 के बाद की बात। अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद ऐसा होता है, 1 अप्रैल 2014 से पहले का ट्रीटमेंट कि ये माइनस हो जाएगी अमाउंट, मेरा डिसीजन जो होगा वो 8 लाख मतलब फॉर एग्जांपल 8 लाख अगर 10 लाख की बात हो रही थी तो ये यहां तक आपने पढ़ा कैपिटल गेन के कुछ सेक्शन। अगले वीडियो में हम कैपिटल गेन को आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, कुछ हेल्प मिली हो घर बैठे लॉकडाउन के चलते, पेंडेमिक के चलते, COVID-19 के चलते, आपको भी एक क्लास में जाए, कुछ भी अगर हमसे ये महसूस हुआ हो कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वीडियो बनाने के लिए हम लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।